हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडिया स्टडी लर्न में। दोस्तों, आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, क्योंकि फ्रेंड्स बिहार आईटीआई का फॉर्म भरना वो शुरू हो गया है। जी हाँ फ्रेंड्स, बिल्कुल आप सही सुन पा रहे हैं। दोस्तों, आपको ऑनलाइन अप्लाई करते समय कितना पैसा लगने वाला, साथ ही साथ इनकी अंतिम तिथि कब है, इनका ऑफिशियल नोटिस भी जारी हो चुका है, कौन कौन इस फॉर्म को भर सकते हैं, पूरी जानकारी देने वाले हैं। वीडियो के अंत तक बने रहे। साथ साथ अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो नीचे दिए हुए लाल रंग वाले सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल वाले आइकन के घंटे को बजा के ऑल पे क्लिक कर दीजिए, ताकि बिहार आईटीआई से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आप तक सबसे पहले जरूर पहुंच सके। तो चलिए आपको फटाफट बताते हैं। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। जैसा कि फ्रेंड्स देख पा रहे हैं, बिहार आईटीआई की ओर से ऑफिशियल नोटिस भी जारी कर दिया है। कल ही के डेट में जारी किया, 23 मार्च 2020 को, यानी कि दोस्तों आज से दोस्तों वो फॉर्म भरना शुरू हो चुका है। देख पा रहे दोस्तों, इनका ऑफिशियल वेबसाइट भी दिया हुआ है, bcecebord.bihar.gov.in पे जाकर के आप इनको ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। रही बात दोस्तों इसको फॉर्म कौन कौन भर सकता है, बेसिकली फ्रेंड्स आपको कम से कम 10th पास होना पड़ेगा, उनके बाद आप इंटर भी पास है या ग्रेजुएशन भी कर रखा है तो भी दोस्तों आप इस को भर सकते हैं। उनके बाद यहां पे स्टेप वगैरह दी गई है। आप रजिस्ट्रेशन सबसे पहले आपको करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए दोस्तों आपको ईमेल आईडी लगेंगे, पर्सनल मोबाइल नंबर देना होगा, उनके बाद आपको फोटो लगेंगे, सिग्नेचर लगेंगे। सारी चीज अपलोड करने के बाद आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको लॉगिन आईडी करना होगा, लॉगिन आईडी करके आप इस तरीके से भर सकते हैं। रही बात फ्रेंड्स इस फॉर्म को भरने के लिए आपको कितने पेमेंट देने पड़ेंगे, वो भी इस नोटिफिकेशन में जारी की गई है। देख पा रहे फ्रेंड्स यहां पे साफ-साफ दिया हुआ है। यहां पे देखिए बताया गया कि पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग हो तो उनको ₹750 लगेंगे, देन उसके बाद अनुसूचित जाति कोटी के लिए सिर्फ और सिर्फ ₹100 आपको लगने वाले हैं, एवं विकलांग भी है तो भी आपको ₹430 आपको लगेंगे। किसी प्रकार की डिसेबिलिटी वगैरह सुनने की है तो आप ₹430 आपको पेमेंट करना होगा, ठीक है, इस फॉर्म को भरने के लिए। उनके बाद यहां पे देखिए साफ-साफ दी गई, इनका डेट वगैरह भी मेंशन कर दिया गया। देख पा रहे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्टिंग डेट दोस्तों वो आज ही से शुरू है, 24 मार्च 2020, जो कि आज ही आप आज से इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद यहां पे बात करें इनकी अंतिम तिथि की, तो दोस्तों आपको 26 अप्रैल 2020 तक दिया हुआ, यानी कि 26/4/2020 यहां पे देख पा रहे दोस्तों साफ साफ दिया हुआ, यानी एक महीने का आपको टाइम है, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। उनके बाद यहां पे दोस्तों बात करें चालान की लास्ट पेमेंट की, तो दोस्तों 27 अप्रैल रखी गई है। फिर उसके बाद यहां पे बात करें यानी आपका जो एप्लीकेशन है, अगर मान लेते हैं फॉर्म भरते समय किसी भी प्रकार की गलती त्रुटि हो जाती है, तो दोस्तों आप 29 अप्रैल से लेकर के यहां देखिए 2/5/2020 तक आप सुधार कर सकते हैं। बात करें इनकी एडमिट कार्ड कब आ जाएगी यानी आईटीआई की, तो दोस्तों आपका वो भी यहां पे देखिए दिया हुआ इश्यूज वगैरह, 11/5/2020 को आपका एडमिट कार्ड दोस्तों वो आ जाएगा, यानी मई में आपका एडमिट कार्ड आएगा। और फ्रेंड्स इसका जो एग्जाम है वो देखिए डेट ऑफ एग्जामिनेशन वो भी दिया हुआ है 24/5/2020 दिन संडे को आपका जो एग्जाम है वो हो जाएगा, यानी आपका भी एग्जाम दोस्तों वो मई में हो जाएगा। उनके बाद यहां पे दोस्तों इस नोटिस में फिलहाल इतना ही दिया हुआ है, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आपकी एज 18 साल है तो भी भर सकते हैं, इनमें कोई ऐसी बात नहीं दी गई है। आई होप फ्रेंड्स हमने आपको समझाने की पूरी कोशिश की है। वीडियो थोड़ी बहुत भी अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को आप भी अपने दोस्तों में और व्हाट्सएप ग्रुपों में फटाफट फैला दीजिए, ताकि उन लोगों को भी मालूम चल सके। दोस्तों मैं इनका वीडियो बहुत जल्द लाने वाला हूं, स्टेप बाय स्टेप आप इस फॉर्म को आईटीआई वाला आप कैसे भर सकते हैं, तो कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। फ्रेंड मिलते हैं अगली कोई नई वीडियो में, अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।